अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों आप? दोस्तों आज आप लोग को दिखाएंगे हम लोग मिनी मार्केट। ये है जेबीसी एरिया, दुबई जेबीसी एरिया, और यहाँ पे है, ये देख रहे हैं आप, एप्पल डे मार्केट। एप्पल डे मार्केट यानी इस जेबीसी के अंदर ऐसी और भी मार्केटें होंगी, लेकिन इस एरिया के अंदर ये ही बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे एक सर्कल मॉल भी है। और आपको दिखाने का मकसद मिनी मार्केट ये है कि इसके अंदर तकरीबन से तकरीबन 10,000 से लेकर 13,000 तक आइटम इसके अंदर होती है। हम लोग जो जाते हैं बड़ी बड़ी मार्केटों के अंदर, जो बहुत बड़ी मार्केटें होती हैं, सम टाइम हमको उधर से भी आइटम वो नहीं मिलती जो इनके पास मिल जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी यहाँ पे भी आया करें, छोटी जो मार्केटें आप लोगों के पास इर्द गिर्द होती है वहाँ पे भी जाया करें, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि आपको आइटम मिल जाती है, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं होते। तो क्या होता है कि आइटम जो होती है वो रैक के अंदर पड़ी ही रहती है। बड़ी मार्केटों के ये मसले होते हैं कि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा जाते हैं, तो आइटम्स जब रैक से ख़त्म हो जाती है तो वो क्या होता है कि अपडेट नहीं करते। फिर आप लोगों को कहते हो यार यहाँ पे इतनी दूर आके भी मुझे वो आइटम नहीं मिली जो मुझे चाहिए। तो चले आपको इस मार्केट का विज़िट करवाते हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी आइटम है और आपको आइडिया हो जाए। ये एरिया जेबीसी है, दुबई जेबीसी एरिया है। ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे हर आइटम मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की हर आइटम मिल जाएगी आपको। हर किस्म का विटामिन यहाँ पड़ा हुआ है। ये वाटर है जो महंगा महंगा लोग भी पीते हैं। एक वाटर 17 धर्म का भी है, 1780 का भी वाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये भी सब वाटर हैं।
जी आप तो हम खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आइटम्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन 10,000 से ऊपर जो ना आइटम है यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी। जब यहाँ पे ऐसी मार्केटों में आप लोगों को सामान मिल रहा है तो फिर क्यों इतनी दूर जाके बंदों को सामान ख़रीदना है? तो समटाइम वहाँ जाके भी आपको सामान नहीं मिलता जो यहाँ पे इन मार्केटों में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। वेजिटेबल भी इन्होंने रखी हुई है, हर आइटम इन्होंने रखी हुई है। ये इनकी वेजिटेबल है, ये एग देखें तो 25 धर्म का 6 एग है, सिर्फ ओनली 25 धर्म के ये एग हैं। और इसी तरीके से ये बड़ी ट्रे जो 30 धर्म की है, 22 की है। तो पानी का भी आप चेक करेंगे, पानी भी हर किस्म का आपको यहाँ मिलेगा। ये अफ्रीकन फूड भी इनके पास है, अफ्रीकन सेक्शन जो होता है, अफ्रीकन फूड सेक्शन भी इनके पास है। अफ्रीकन आइटम्स भी मिल जाते हैं, ये अफ्रीकन मसाले हैं, एंड टी है,
जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको जैसे दिखाया ये देखें, फ्रोज़न भी है तो जी दोस्तों ये देख रहे हैं आप, फ्रोज़न सामान है यहाँ पे। ये अफ्रीकन टर्की है, तकरीबन इसका वज़न 5 kg तक है। आइसक्रीम बड़ी है, ये टिशू का सेक्शन है, ये नहीं, यहाँ पे महंगे से महंगा टिशू भी पड़ा हुआ है, चाहे थोड़े पड़े लेकिन महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छा वाला भी पड़ा हुआ है। तो दिखाने का दोस्तों मकसद ये है कि यहाँ पे भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसी मार्केटों में सामान आपको नहीं मिलेगा, वो महंगा होता है तो यहाँ नहीं पड़ा होगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पर भी छोटी मार्केटें जो आपके इर्द गिर्द होती हैं नज़दीक, वहाँ पर भी पता किया करें। ये सब फ्रोज़न बर्गर्स, टिक्के तक, कबाब, फिश,
यहाँ पे बेकरी सामान पड़ा हुआ है सारा। यहाँ पे चाय भी मिलती है, कॉफी मिलती है, चाय मिलती है। देखिए गेल भाई कैसी है सेहता, तो भी कैंट कर रहे हो सेहता, ठीक नो ऐ की कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये छोटी मार्केट कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस मार्केट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं आपको मिलने के लिए। ये नहीं है कि बस आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ होता है इन मार्केटों में। तो बताइएगा आपको एप्पल अ डे छोटी मार्केट कैसी लगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो जो बनाऊं मैं उसका नोटिफिकेशन मेरे भाइयों तक आ सके। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।